नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपके पास आज RRB भोपाल 1995 के कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपके NTPC में आ चुके हैं, तो इसको हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ जो चेंजेज हो गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें 1995 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हो गए हैं, तो जो भी चेंजेज हैं उसको अपन डिटेल में चर्चा कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, पूछा गया होगा कि ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है, तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका लाइट हुआ, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से उसे एक मीडियम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जिसकी वजह से इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यही कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर पाती है। ठीक है, क्या कारण है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे होगा NIRD होगा। ठीक है, ये वाला जो है इसको हटा के NIRD लिखिएगा। ठीक है, पूछा गया था NIRD का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, NIRD का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल मतलब जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसको रूरल बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। देखिए, जहाँ पे भी करेक्शन की संभावनाएं होगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? जैसे हमें अगर ब्लू दिखाई देता है, तो अगर आप ऊपर चले जाएं यानी कि अंतरिक्ष में चले जाएं, तब कैसा आपको आकाश दिखेगा? तब काला दिखेगा। अब नीला क्यों दिखता है और उन्हें काला क्यों दिखता है? तो जो ऊपर से किरणें आती है वो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या और भी जो कण हैं, जैसे और भी वहाँ पे गैस बहुत सारे हैं अंतरिक्ष में, उसमें जो ब्लू कंस्टिट्यूएंट है वो स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से फैल जाते हैं पूरे आकाश में, जिससे हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री एनवायरमेंट से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें काला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये छोटी सी डिफरेंस है कि हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है और उन्हें क्यों काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु फिलामेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बल्ब जलता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो उसका टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 3000 के अराउंड डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खून की कमी क्या दर्शाती है? तो देखिए, खून में हीमोग्लोबिन होती है, तो अगर खून की कमी हो गई तो ऑब्वियस है हीमोग्लोबिन की कमी ही दर्शाएगी, यानी कि निम्न हीमोग्लोबिन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप अक्सर देखे होंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपके बाँह में एक पट्टी लगा के पहले एक हवा भरा जाता है, उस जिससे आपके जो बाँह में प्रेशर जनरेट किया जाता है। तो वो जो यंत्र होता है जो कि रक्त दाब के मापने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या होता है? वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी होती है। और इंडिया में अगर हम बात करें कि काली मिट्टी किधर पाई जाती है, तो दक्कन के जो पठार कह सकते हैं उधर पाई जाती है, यानी कि ये जो दक्कन वाला एरिया है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि गुजरात वाला और ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीडी सावरकर ने 1857 के जो विद्रोह है उसके बारे में क्या कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था कि ये जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है,
इससे रिलेटेड, इस संग्राम से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस संग्राम को फलाना आदमी ने क्या कहा था, फलाना आदमी ने क्या कहा था, मतलब कि 4-5 आदमी अपने तरीके से इंटरप्रेट किए थे इस आंदोलन को, या आप कह सकते हैं इस संग्राम को। तो वही पूछा गया है कि बी डी सावरकर ने इस संग्राम को क्या कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश का, वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। आपको ये बताना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऊना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। कहने का मतलब है, इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था। तो सबसे पहले ये याद करनी है कि पूना समझौता 1932 में हुई थी। ठीक है, पूना समझौता 1932 में हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाला जो गेंद होता है उसका भार कितना होता है, ये पूछा गया था। तो 5.5 औंस का जो गेंद होता है, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये होगा 165 ग्राम का गेंद होता है यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति के जनक, या आप कह सकते हैं नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने किया था। ठीक है, माओ त्से तुंग ने किया था। लाल मतलब ही होता है मौत। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं मौत। ठीक है, ये सेंस दे रहा है मौत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? तो अफ्रीका का सहारा जो क्षेत्र है वो है। देखिए ये जो अफ्रीका है, इस तरह का पूरा अफ्रीका है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा सहारा मरुस्थल है। ये तकरीबन 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बहुत सारे देश ऊपर जितने भी है, सूडान है, अल्जीरिया है, फिर आगे बहुत सारे लीबिया है, फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें कि ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, सब तो सबसे ऊपर ही है सहारा मरुस्थल। ये भी पूछा जा सकता है कि जो अफ्रीका है उसके नॉर्थ में है या साउथ में है सहारा मरुस्थल, तो ये नॉर्थ में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और ये नॉर्थ अमेरिका के किस पार्ट में है? जैसे आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर ये इस तरह से पहले नीचे छोटा संकरा है, उसके बाद इस तरह से नॉर्थ अमेरिका फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कनाडा का जो बाउंड्री है, ठीक है, कनाडा और यूएसए का बाउंड्री है ये वाला, ये कनाडा और यूएसए का बाउंड्री है। तो यहाँ पे बाउंड्री के बीच फैला हुआ है सुपीरियर झील। ठीक है, बाउंड्री के बीच फैला हुआ है सुपीरियर झील, यानी कि थोड़ा सा पार्ट आपके कनाडा में भी है और थोड़ा सा पार्ट आपके यूएसए में भी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, या किन दो देश के बीच के सीमाओं पे स्थित है? तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अब ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक है, 323 BC में हुई थी। और भारत पे कब आक्रमण किया था सिकंदर, ये भी पूछा जा सकता है। तो 326 BC में किया था। ठीक है, तो इस तरह से इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको याद होंगे, अगर याद नहीं थे तो वो याद हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।